हमने देखा कि विद्युत धारा और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित है। आज हम सुचालकों द्वारा निर्माण हुए विद्युत प्रवाह से निर्मित चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्म देखेंगे। तांबे की मोटी तार तख्ते के आर पार लंबरूप डाल दी है। चुंबक सुई तार के पास रखी है। जब विद्युत धार तांबे की इस मोटी तार से प्रवाहित होती है, तब धार के आसपास चुंबक सुई रखने से हर जगह सुई एक विशिष्ट स्थान पर ही स्थिर रहती है। हम यही कृति लोहे के चूर्ण के साथ कर सकते हैं। लोहे का चूर्ण तार के इर्द गिर्द फैलाएं। तार के इर्द गिर्द तैयार होने वाले समकेंद्री वृत्त चुंबकीय बल की रेखाओं को दर्शाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार से बहने वाली विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर होती है। विद्युत धारा की दिशा विपरीत करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी विपरीत हो जाएगी। हम मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को जानते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने विद्युत धारा वहन करने वाली तार दाहिने हाथ से पकड़ी है और अंगूठा विद्युत धार की ओर है। जिस ओर अन्य उंगलियां लिपटी होंगी, वही दिशा विद्युत धारा के चुंबकीय रेखाओं की होगी। इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। इसी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की तरह ही चुंबकीय रेखाओं की दिशा दाहिने हाथ के स्क्रू को इस्तेमाल करके ढूंढ सकते हैं। दाहिने हाथ का स्क्रू विद्युत सुचालक की दिशा की ओर होता है, ऐसा माना जाता है, और स्क्रू कुछ इस प्रकार घुमाया जाता है कि वो विद्युत धार की ओर बढ़े। इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्क्रू के घूर्णन की ओर ही होगी। इस कृति द्वारा सीधी रेखीय विद्युत सुचालक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, यह हमने सीखा। जैसे जैसे तार में अंतर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की ताकत कम होती है। इसलिए चुंबकीय बल की रेखाएं दर्शाने वाले समकेंद्री वृत्त जैसे जैसे तार से दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी संख्या में कमी और आकार में वृद्धि दिखाई देती है। विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत सुचालक तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्म हमने अभी देखे। अब विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत सुचालक तार का लच्छा हो, तब चुंबकीय क्षेत्र कैसे तैयार होता है, इसके लिए हम एक सीधी सादी कृति करेंगे। तख्ते का इस्तेमाल करके तांबे की तार के 200 कुंडल बनाएं। अधिक संख्या में कुंडल हो तो नापने योग्य चुंबकीय क्षेत्र बनाने में मदद करते हैं। आकृति में दर्शाया है वैसे कुंडल तख्ते के अंदर लगाएं। दोनों छोर के तार का आवरण घिस कर निकालें और चार दोहरी ए बैटरी से जोड़ें। कुंडल के मध्य भाग में चुंबक सुई रखने पर क्या होता है, यह हम देख सकते हैं। जैसे जैसे वो कुंडल केंद्र के पास जाएगी, वैसे वैसे वृत्त बड़े बड़े हो जाते हैं कि उनका वृत्तचाप सीधी रेखा जैसा दिखाई देने लगता है। यही कृति आप कुंडल की संख्या बढ़ाकर, तार का आकार बदलकर और कुंडल से बहने वाली विद्युत धारा की मात्रा बढ़ाकर कर सकते हैं। प्रतिरोधक परत वाली तांबे की तार लच्छेदार श्रृंखला में बांधने पर उसे सोलेनॉइड कहते हैं। इस सोलेनॉइड का एक छोर उत्तर ध्रुव और दूसरा छोर दक्षिण ध्रुव की तरह काम करता है। यह बिल्कुल चुंबक पट्टी जैसा होता है, जिसके एक छोर को उत्तर ध्रुव और दूसरे छोर पर दक्षिण ध्रुव होता है। सोलेनॉइड के अंदर के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। आइए PHET सिमुलेशन की सहायता से हम ये नाप लेते हैं। चुंबक पट्टी के चुंबक शक्ति की रेखाओं की जानकारी आपको है। सोलेनॉइड के चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्म चुंबक पट्टी के गुणधर्मों के जैसे होते हैं। एकाध विद्युत धारा वहन करने वाला विद्युत वाहक चुंबकीय क्षेत्र के बीच रखे तो विद्युत वाहक को चुंबकीय शक्ति प्राप्त होती है। इस शक्ति की दिशा देखने के लिए हम ये कृति करेंगे। एक गोल चुंबक के उत्तर दक्षिण ध्रुव निश्चित कर लें। उत्तर ध्रुव को सफेद रंग से निशान लगाया। एक चौकोनी आकार में लगाई हुई तांबे की तार लटकती रखें, जो आड़ी क्षैतिज रूप से होकर मुक्तता से घूम सकेगी। ये तार परिपथ का ही भाग होगी। जब विद्युत धारा इस तार से गुजरती है, तब विद्युत बल उस पर कार्य करता है और तार विद्युत घट की दिशा की ओर घूमती है। उल्टी ध्रुवीयता के कारण तांबे के तार की दिशा बदलती है।
ये वर्तन फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से स्पष्ट होते हैं। अंगूठे की दिशा विद्युत वाहक के ऊपर के बल की दिशा दर्शक होती है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की ओर होगी, मध्यमा विद्युत धार की ओर होगी। परंपरागत विद्युत धारा धन से ऋण छोर तक जाती है। विद्युत धारा बहने वाले विद्युत वाहक पर कार्य करने वाले चुंबकीय बल पर परिणाम करने वाले घटक इस प्रकार से हैं: चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, तार से बहने वाली विद्युत धारा, तार की लंबाई। इन घटकों में बदलाव करके ये कृति करके देखिए। जब तर्जनी समांतर होगी तब बल शून्य होगा। क्या आप यह सिद्ध कर सकेंगे?